इस वक्त की बड़ी खबर आपको तस्वीरें दिखाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू जो मोहाली के लिए निकले हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं पंजाब कांग्रेस की तरफ से मेरे एमएलए भाई जितने भी हैं यहां पार्टियों से ऊपर उठ के किसान भाइयों के पीछे खड़े हैं और ये मांग करते हैं कि जुल्म और सितम करने वाला, मैं सुनता था कि पीठ में छुरे भोंके जाते हैं लेकिन पीठ पे गाड़ियां चढ़ाते हुए रखवालों को पहली बार देखा है। एफआईआर में नाम है, फिर इन्वेस्टिगेशन अब तक क्यों ज्वाइन नहीं की गई, अरेस्ट क्यों नहीं हुई, क्या यूनियन मिनिस्टर और उसके बेटे कानून से बड़े हो गए, हमारे संविधान से बड़े हो गए? यह लड़ाई हमारी आन बान शान जग की जान किसान के लिए है। ये बाबा नानक के कितने की लड़ाई है। ये मेरे लीडर प्रियंका जी और राहुल गांधी की लड़ाई है। इसमें अगर देही भी दाव पे लगानी पड़ी तो लगाऊंगा। मैं प्रण करता हूं कि जब तक वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेंगे या अरेस्ट नहीं होगी तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। यहां करीब करीब, अब मैं गिनती भी भूल चुका हूं कितनी गाड़ियां होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन हम सब जो वचन पे पाबंद ना हो वो इंसान नहीं होता। मैंने कभी कस्में नहीं खाई, वायदे नहीं किए। एक वचन दिया था कि किसान भाइयों को मैं अपनी पगड़ी मानता हूं। पहले दिन से पार्टियों से ऊपर उठ के ये लड़ाई लड़ी है और आज भी ये लड़ाई जारी रहेगी। संघर्ष हमारा गहना है। 600 किसानों की जानें चली गई, अब और 5-6 जाने जाने की खबर है। यद्यपि यूनियन मिनिस्टर के बेटे को अरेस्ट नहीं किया तो मैं कल से भूख हड़ताल पे जाऊंगा। ये मेरा वचन है और मेरा प्रण है। मैं पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि ये अन्याय है। अगर न्याय के लिए लड़ते लड़ते प्राण भी चले गए तो ठीक है। किसान भाइयों का विश्वास इस देश का विश्वास है। 60% आबादी है, मेरे बाप दादा किसान थे। यदि किसान भाइयों के लिए प्राणों की आहुति भी, और अभी तक किसी लीडर की आहुति नहीं हुई है, प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो स्वतंत्रता सेनानी सरदार भगवंत सिंह सिद्धू का यह बेटा 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। 1 इंच ये प्रेरणा मेरी लीडर प्रियंका जी और राहुल जी, जिन्हें आज मैंने एंजल्स ऑफ सेवियर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहा है। जमहूरियत जब खत्म होती है तो अहंकार पैदा होता है और अहंकार यमराज का सिंहासन है। उस सिंहासन पे पतन निश्चित है। सिद्धू साहब, 26 नवंबर 2020 को किसानों ते पछाड़ा हो गया सी, हुण भी उसे हरियाणा में नहीं जाऊंगे। मैं अपने वचन ते खड़ा। अरे सवाल मेरा नहीं है, मैं ते कांग्रेस का एक वर्कर हाँ। आ देखो तुसी, हजारा गड्डिया ने, हजारा वर्कर ने, सीएम साहब ने भी मैनू कहा सीगा कि उन्होंने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 12:30 ਇੱਥੇ ਹੋਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰਤਵਯ ਪਥ ਪੇ ਡਟੇ ਰਹੇਗੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰੇਂਗੇ और ये अगर कल तक अरेस्ट नहीं हुई या इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की उन्होंने तो मैं कल भूख हड़ताल पे बैठूंगा जहां तक जाना होगा जहां भी होगा मैं ये करूंगा बोले सो नेहा किसान मजदूर एकता 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 एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।